अब बात क्या होती है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं सेक्शन 2F में, 1956 का जो एक्ट बोलता है यूजीसी का, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, वो सभी यूनिवर्सिटीज मान्य हैं। यूनिवर्सिटी बोलती है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम एडमिशन लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हालांकि डिप्लोमा भी होते हैं एग्रीकल्चर के। दोस्तों आप कोई भी किसी भी तरह की डिटेल्स लेना चाहते हैं, इंक्वायरी करना चाहते हैं किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कॉलेज या किसी भी कोर्स के बारे में, आप एडमिशन लेना चाहते हैं किसी भी कोर्स में या कुछ जानना चाहते हैं उसके बारे में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दिया है। लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे एक फॉर्म आएगा, फॉर्म को आप फिल करें, चार ही डिटेल्स हैं उसके अंदर, नाम है आपका, आपकी मेल आईडी है, फोन नंबर है और किस स्टेट से आप हैं, और कुछ भी अगर आप स्पेशल कमेंट में डालना चाहते हैं, कुछ अलग से जानकारी चाहते हैं और कुछ भी आप लिखना चाहते हैं, जैसे कुछ डिटेल में आप जानना चाहते हैं, तो वही जो बॉक्स है उसके अंदर अपनी क्वेरी को आप टाइप करें और भेज दें हमें, हम आपसे पर्सनली कॉन्टेक्ट जरूर करेंगे और आपके हर तरह के सवालों के जवाब हम आपको जरूर देंगे। दोस्तों हालांकि राजस्थान में जितनी भी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं राजस्थान में, उन सभी पर, काफी सारी यूनिवर्सिटीज पर हमने वीडियोस बनाई है अपने इसी चैनल पर, ज्यादातर यूनिवर्सिटीज की वीडियोस आपको देखने से मिल जाएगी। जितनी भी हमने वीडियोस बनाई, तो जब जब हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे वीडियोस पर जो कमेंट आते हैं कि नेक्स्ट वीडियो हम इस यूनिवर्सिटी पर बनाएं, या नेक्स्ट वीडियो हम इस कोर्स पर बनाएं, या नेक्स्ट वीडियो हम ऑनलाइन एजुकेशन या डिस्टेंस पे बनाएं, उसी तरह के सजेशंस को हम टॉपिक उठाते हैं। निर्वाण यूनिवर्सिटी की बहुत दिनों से हमारे पास जो डिमांड आ रही थी कि हम एक डिटेल वीडियो बनाएं निर्वाण यूनिवर्सिटी के बारे में, कि निर्वाण यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है, यूनिवर्सिटी किन किन कोर्सेज को लेकर चलती है, यूजीसी पर यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करेंगे, क्योंकि अपने देश में जो रेगुलेटिंग बॉडी है वो यूजीसी ही है जो सभी प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कोई भी यूनिवर्सिटीज को जो रेगुलेट करती है, जिस तरह से यूजीसी को रेगुलेट करती है हमारी एजुकेशन मिनिस्ट्री। अब दोस्तों बात क्या होती है, निर्वाण यूनिवर्सिटी के बारे में कई सारे सवाल जो आपके दिल में है, उन सभी चीजों पे खास करके सवाल ये आता है कि हम यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले या नहीं। दोस्तों यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना या ना लेना, यूनिवर्सिटी के अप्रूवल्स देखिए, मान्यताएं देखिए, कोर्सेज देखिए, और हो सके तो यूनिवर्सिटी को विजिट जरूर कीजिए, तभी एडमिशन लीजिए। बट बहुत कुछ आज आप जानोगे इस वीडियो के माध्यम से कि निर्वाण यूनिवर्सिटी कैसी है। ज्यादा कुछ जानने के लिए निर्वाण यूनिवर्सिटी के बारे में दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम देश विदेश की यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, उनके कोर्सेज को एक्सप्लोर एंड रिव्यू करते हैं और आपको बताते हैं सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। दोस्तों राजस्थान में जितनी भी टोटल प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं, उन्हीं में से एक नाम जो आता है सामने, निर्वाण यूनिवर्सिटी का। निर्वाण यूनिवर्सिटी कोई अलग से किसी ऐसे एक्ट में नहीं पास हुई है कि जिसको हम बोले एक अलग एक्ट में आई है। यूनिवर्सिटी जैसे बनती है सभी यूनिवर्सिटीज, यूजीसी का जो एक्ट है 1956 का, उसी के तहत सब यूनिवर्सिटीज बनाई जाती हैं। सेक्शन 2F में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं, उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी बनी है। टोटल 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं राजस्थान में, उन्हीं में से एक है निर्वाण यूनिवर्सिटी। यूजीसी पर आप कैसे चेक करेंगे दोस्तों इस यूनिवर्सिटी को? हालांकि यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास अभी लगभग 35 एकड़ में कैंपस बना हुआ है। डिपार्टमेंट्स की बात करें 25+ डिपार्टमेंट्स हैं। कोर्सेज की बात करें 70+ कोर्सेज यूनिवर्सिटी के पास चलते हैं। और हम स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स हालांकि कम है अभी, जो यूनिवर्सिटी मेंशन करती है अपनी वेबसाइट पर, 3,500 के लगभग स्टूडेंट्स हैं यूनिवर्सिटी में। अब यूनिवर्सिटी की वेबसाइट क्या बोलती है और दूसरी हमारी रिसर्च क्या बोलती है, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहले आप जानिए यूजीसी के बारे में। दोस्तों जितने भी यूनिवर्सिटीज चलती हैं हिंदुस्तान में, सभी यूनिवर्सिटीज को रेगुलेटिंग जो बॉडी है उनके लिए वो है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को देखती है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी। अब बात क्या होती है, जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज बनती हैं सेक्शन 2F में, 1956 का जो एक्ट बोलता है यूजीसी का, उसमें जितनी भी यूनिवर्सिटीज लिस्टेड हैं यूजीसी की वेबसाइट पर, वो सभी यूनिवर्सिटीज मान्य हैं। हम निर्वाण यूनिवर्सिटी को कैसे चेक करें कि यूनिवर्सिटी मान्य है कि नहीं? सबसे पहले आप जाएंगे यूजीसी की वेबसाइट पर www.ugc.ac.in। उसके बाद में जो इंटरफेस खुलेगा यूनिवर्सिटी का, उसमें यूनिवर्सिटीज पर आप जाइए। यूनिवर्सिटीज पर आप जाएंगे, सभी तरह की यूनिवर्सिटीज का हालांकि लिखा हुआ है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी लिखा हुआ है, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज और स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटी। स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पे आप क्लिक करेंगे क्योंकि ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। जैसे ही आप स्टेट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज पर क्लिक करते हैं, यहाँ सभी स्टेट्स के नाम आपके सामने खुल जाते हैं। जितने भी नाम आए हैं स्टेट्स के, राजस्थान को आप देखिए, राजस्थान पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे, राजस्थान पर क्लिक करते ही टोटल जो 52 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज चलती हैं राजस्थान में, उन सभी यूनिवर्सिटीज की एक लिस्ट खुल जाएगी आपके सामने। यहाँ आप सभी यूनिवर्सिटीज को देख सकते हैं। निर्वाण यूनिवर्सिटी कहाँ स्टैंड करती है? निर्वाण यूनिवर्सिटी को 30th नंबर पर आप देख सकते हैं। ये कोई रैंकिंग नहीं है दोस्तों, अल्फाबेटिकली जहाँ पर नाम आया N,
उसके हिसाब से यूनिवर्सिटी को 30वें नंबर पे डाल दिया। यूनिवर्सिटी 2017 से काम कर रही है, मतलब मार्च 2017 में यूनिवर्सिटी आई थी। आज लगभग यूनिवर्सिटी को 6 साल हो गए हैं और यूनिवर्सिटी के पास कुछ अप्रूवल्स हैं, इतने ज़्यादा खास अप्रूवल्स नहीं है, बट हाँ कुछ अप्रूवल्स हैं। यूनिवर्सिटी की और डिटेल आप कैसे चेक करेंगे? आप जाएं मोर डिटेल पर। आप जैसे ही मोर डिटेल पर आप जाएंगे, सब डिटेल्स यहाँ सामने खुलकर आ जाएंगी। सबसे पहले यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट क्या है, www.nirvanuniversity.ac.in, यह है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कौन है? प्रोफेसर डॉक्टर अरविंद कुमार अग्रवाल, यह है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब। इनका फोन नंबर मेंशन है, इनकी मेल आईडी भी मेंशन है। कोई प्रॉब्लम है आप इनको मेल कर सकते हैं या पर्सनली जाकर मिल भी सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। अब आता है कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब कौन है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार साहब है मिस्टर प्रशांत बेनीवाल, उनका फोन नंबर मेंशन है, साथ में ही उनकी मेल आईडी भी मेंशन है। यूजीसी का स्टेटस जो मैंने आपको बताया, यूनिवर्सिटी यूजीसी पर लिस्टेड है, यूनिवर्सिटी बिल्कुल मान्य है, यूजीसी के अनुसार यूनिवर्सिटी मान्य है, एडमिशन लिया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि यूनिवर्सिटी में जो कोर्सेज चलते हैं वो कौन कौन से कोर्सेज यूनिवर्सिटी में चलते हैं। यूनिवर्सिटी बोलती है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में हम एडमिशन्स लेते हैं, बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, हालांकि डिप्लोमा भी होते हैं एग्रीकल्चर के। आयकर एक अप्रूवल बॉडी है, जैसे कि जब भी यूजीसी किसी को मान्यता देती है यूनिवर्सिटी को, बाय डिफॉल्ट उस यूनिवर्सिटी को कोर्सेज का अप्रूवल मिलता है, जैसे कि सभी तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज, सभी तरह के डिप्लोमा कोर्सेज, सभी तरह के जो यूजी प्रोग्राम्स होते हैं, सभी तरह के जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम्स होते हैं, साथ में पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स और साथ में रिसर्च, मतलब पीएचडी यूनिवर्सिटी करा सकती है। तो ये तो बाय डिफॉल्ट प्रोग्राम्स मिल जाते हैं, बट यूनिवर्सिटी कुछ ऐसे कोर्सेज को भी कराती है जो कोर्सेज काउंसलिंग बॉडी से ही ले सकते हैं। काउंसलिंग बॉडी का होना बहुत जरूरी है, अगर काउंसलिंग बॉडी ने मान्यता नहीं दी है तो वो कोर्सेज वो यूनिवर्सिटी नहीं चला सकती है, चला नहीं पाएगी। अब इस यूनिवर्सिटी के पास जो कोर्सेज चलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर, इस यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हैं। फैकल्टी ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, बीकॉम करें, एमकॉम करें या फिर बीबीए एमबीए करें, यूनिवर्सिटी करवाती है, इनके लिए कोई खास अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, काउंसलिंग बॉडी से भी अप्रूवल नहीं लेना होता। फैकल्टी ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशंस, इसके लिए भी नॉर्मली कोर्सेज के अप्रूवल मिल जाते हैं, जैसे यूजीसी का अप्रूवल मिला तो यूनिवर्सिटी कोर्स चला सकती है। फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा करें, मतलब इंजीनियरिंग डिप्लोमा करते हैं, बीटेक करते हैं, एमटेक करते हैं, उसके लिए एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है, पर ज़रूरत पड़ती है कॉलेजेस को, जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्हें एआईसीटी के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं, वो ऐसे भी इन कोर्सेज को चला सकते हैं और कोर्सेज मान्य हैं। साथ में ही फैकल्टी ऑफ अप्लाइड हेल्थ, अप्लाइड हेल्थ में जो भी कोर्सेज आते हैं इस पर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, आप वो वीडियो देखेंगे समझ पाएंगे। फैकल्टी ऑफ साइंस नॉर्मली बीएससी के जो कोर्सेज आते हैं, एमएससी के कोर्सेज आते हैं, वो सब यूनिवर्सिटी करवाती है। दोस्तों अभी तक जैसे आपने देखे तो खास कोई अप्रूवल्स नहीं है, मतलब जो काउंसिल बॉडी के अप्रूवल्स होते हैं यहाँ पर नहीं है। फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज एंड फाइन आर्ट्स, ये भी कोर्सेज काउंसिल से रिलेट नहीं करते हैं। फैकल्टी ऑफ डिज़ाइन, डिज़ाइन जैसे बी डैश या फिर बी डिज़ाइन पर हमने वीडियोज बनाए हैं, आप देखेंगे सब समझ जाएंगे क्या होते हैं कोर्सेज। फैकल्टी ऑफ लॉ, इसके लिए बीसीआई का अप्रूवल चाहिए होता है दोस्तों, बार काउंसिल ऑफ इंडिया का। 3 साल की एलएलबी करें या 5 साल की एलएलबी करें, यूनिवर्सिटी के पास बीसीआई होना ही चाहिए, वरना वो यूनिवर्सिटी लॉ में आपका एडमिशन ले नहीं सकती। और लॉ तो दोस्तों वैसे भी एक प्रैक्टिकल चीज़ है, आप थ्योरी पढ़कर आगे आते हो बट प्रैक्टिकली आपको पता होना चाहिए कोर्ट में आप कैसे खड़े होंगे, और इसके लिए कि आप एलएलबी कैसे करें, कैसे एडमिशन लें, कैसे एबी का एग्जाम क्लियर करेंगे, कैसे वकालत करें, कैसे इंटर्नशिप करें, उन सब पर भी वीडियो अवेलेबल है हमारे चैनल पर। फैकल्टी ऑफ डेंटल साइंस, डेंटल साइंस के लिए बीडीएस जिस कोर्स को हम बोलते हैं, डेंटल काउंसिल का अप्रूवल लेना होता है। यह अप्रूवल आप जरूर चेक कर लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में दोस्तों एडमिशन आप लें, किसी भी यूनिवर्सिटी में तब तक एडमिशन ना लें जब तक यूनिवर्सिटी को विजिट ना कर लें। यूनिवर्सिटी को विजिट करें, कैंपस देखें, साथ प्लेसमेंट भी यूनिवर्सिटी का देखें, हॉस्टल में जाएं, क्योंकि हॉस्टल में अगर आप रहने वाले हैं तो हॉस्टल भी आप विजिट करें। साथ ही साथ आप हो सके तो फैकल्टी मेंबर्स जाके मिलें, और जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं क्लासेस में जिस कोर्स को आप करना चाहते हैं उन सभी स्टूडेंट्स से भी मिलने की कोशिश आप जरूर करें, बहुत कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। कोई भी यूनिवर्सिटी में ऐसे एडमिशन ना लें, जितनी बाकी सब प्राइवेट यूनिवर्सिटी चलती हैं उसी तरह से ये यूनिवर्सिटी भी चलती है। यूनिवर्सिटी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स देती हैं एडमिशन लेने के लिए, एडवर्टीजमेंट्स के हवाले से एडमिशन ना लें, यूनिवर्सिटी जाएं, देखें और सही तरह से जब तक आप बिल्कुल पूरी तरह संतुष्ट ना हो जाए तब तक एडमिशन ना लें। फैकल्टी ऑफ योगा, यूनिवर्सिटी योगा में एडमिशन्स लेती है, योगा जो कोर्सेज होते हैं, योगिक साइंसेज के कोर्सेज होते हैं, योगिक साइंस का जैसे कि हम बात करें बीएनवाईएस, उसके लिए देखना होगा यूनिवर्सिटी के पास उसका कोई अप्रूवल आयुष से लिया है कि नहीं। फैकल्टी ऑफ फार्मेसी, बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, एम फार्मेसी आप करते हैं,
तो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का अप्रूवल लेना पड़ता है। अब आता है फैकल्टी ऑफ नर्सिंग। नर्सिंग काउंसिल का अप्रूवल लेना होता है इस कोर्स को चलाने के लिए। अप्रूवल्स के लेटर हालांकि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर है नहीं, बट बहुत जल्दी आप अगर यूनिवर्सिटी को मेल भी कर देंगे दोस्तों तो भी आपको लेटर्स मिल जाएंगे। कोई भी यूनिवर्सिटी इन लेटर्स को हाइड करती नहीं है। यूनिवर्सिटी का पीएचडी के एंट्रेंसेस चलते हैं, लॉ में एडमिशन यूनिवर्सिटी लेती है, ऐसे कई सारे कोर्सेज दोस्तों हैं। जब भी हम यूनिवर्सिटी को विजिट करेंगे कभी भी तो डिटेल में वीडियो जरूर बनाएंगे और साथ में प्रोस्पेक्टस भी दिखाएंगे। 2022 में यूनिवर्सिटी का प्रोस्पेक्टस क्या बोलता था और 23 में प्रोस्पेक्टस क्या बोलता है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ कैसा है। जब भी हम कभी यूनिवर्सिटी गए हम इंटरव्यू करने की कोशिश भी करेंगे ताकि सब चीजें क्लियर तरीके से आपके सामने आ सके। यूनिवर्सिटीज दोस्तों बहुत सारी हैं, जब तक एक्सप्लोर नहीं होती तब तक उनकी डिटेल्स आपके सामने आती भी नहीं, और कई बार हम सुनी सुनाई बातों पर एडमिशन ले लेते हैं और यहीं पर काम आते हैं हमारे जैसे चैनल्स जो काम करते हैं आपके लिए, जो एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं और आपके सभी डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अगर आप लगातार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं तो मेरा मानना है डाउट्स आपके दिल में होंगे नहीं, और जो डाउट्स होंगे उनके आंसर आपको आसानी से मिल भी जाते होंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो आज हमने वीडियो बनाया निर्माण यूनिवर्सिटी के बारे में आपको समझ आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों परिजन परिवार तक शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद हमारे इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।